हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा क्रिएशंस। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। उम्मीद है कि जल्दी से आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ डोमिनोज ओनली फॉर 24 आवर्स। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने नहा लिया है, बाल भी गीले हैं और ये माइक भी गीला हुआ जा रहा है। तो गाइज, आज मैं करने वाली हूँ डोमिनोज ओनली फॉर 24 आवर्स चैलेंज, जिसमें मैं खाने वाली हूँ सिर्फ डोमिनोज की चीज़ें सुबह से लेकर रात तक। तो जितने भी मेरे मेन्यू होंगे वो सारे डोमिनोज के थ्रू ही होंगे। तो अभी हो चुका है मॉर्निंग टाइम, मैंने नहा धो के चेंज कर लिया है और अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। जनरली मैं सैंडविच या एग पराठा और इस तरह का कुछ लेती हूँ, बट आज क्योंकि मुझे डोमिनोज से कुछ खाना है तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ ट्राई किया जाए। इसमें आपको दिखाती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या करने जा रही हूँ। तो मेरे पास है, यहाँ पर मैंने चाय ऑलरेडी बना ली है, ये इस मग में है चाय मेरी। एंड मैंने मंगवा लिया है ये जिंगी पास्ता। तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इसको और ओपन करते हैं। इट्स सो गुड गाइस, द स्मेल इज सो गुड एंड आई एम टेस्टिंग इट फॉर आई डोंट रिमेम्बर कि मैं कितने दिनों के बाद डोमिनोज खा रही हूँ। तो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी ऑसम चैलेंज, नो डाउट। तो चलिए ट्राई करते हैं। बट इन्होंने इसके साथ कुछ नहीं दिया, सूखा सूखा दे दिया। लिटरली दिस इज सो बैड यार, मतलब कुछ तो देना चाहिए मुझे अपनी खुद की जो मेरी मेरे पास है, ऑरिगैनो या चिली फ्लेक्स या सॉसेस, मुझे वो यूज़ करनी पड़ेंगी। दिस आई हेट अबाउट इट, ये लोग कुछ देते नहीं हैं साथ में, सो बैड। तो गाइज, मैंने बड़ा ढूंढ ढांड के अपने फ्रिज से ये पैकेट निकाला है और अब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये मेरा मॉर्निंग का नाश्ता होने वाला है और इसके साथ में स्नैक ड्रेसिंग। आप सोच रहे होंगे गाइज, मैंने बाहर जाके डोमिनोज में क्यों नहीं खाया? तो डोमिनोज में मैंने इसलिए जाके नहीं खाया बिकॉज अभी भी कोविड चल रहा है, तो कई जगहों पे सिर्फ वो डिलीवरी अलाउ कर रहे हैं, जाना और खाना वहाँ पे नहीं अलाउ कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं गई। और वैसे भी मॉर्निंग है, इसके बाद मुझे अपना कॉलेज का भी काम देखना होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर जाना ठीक नहीं समझा। तो चलिए अब इसके ऊपर डालते हैं बहुत ढेर सारी ये सॉस, स्नैक ड्रेसिंग, और उसके बाद इंजॉय करते हैं। ऑसम ऑसम। दिस इज ऑसम गाइस, इंजॉय करती हूँ मैं अपना स्नैक, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आपसे मिलती हूँ लंच टाइम में। Till then, enjoy. A few moments later. So, अभी हो चुका है लंच टाइम और काफ़ी सारा काम करने के बाद मुझे लग चुकी है बहुत सारी भूख, बट स्टिल देख सकते हैं आप मेरे बाल अभी तक नहीं सूखे हैं, अभी तक गीले हैं। गाइस, अभी मैं फिर से कुछ मंगवाने वाली हूँ डोमिनोज से और मैं सोच रही हूँ क्या मंगवाऊँ। तो एक मैंने इनका जो ट्राई नहीं किया है, जो मेरा बहुत मूड था ट्राई करने का, मैं सोच रही हूँ लंच के लिए वही मंगवा लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे मैं अपने स्नैक के आने के बाद। ओके गाइस, तो अब मेरा जो लंच है वो आ चुका है और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं लंच में क्या खाने वाली हूँ डोमिनोज का। सो गाइस, दिस इज कैप्सिकम, मोज़रेला, टोमेटो बर्गर पिज़्ज़ा विथ मैक्सिकन सीजनिंग फ्रॉम डोमिनोज। गाइस, इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है और आज मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगी आपको कि कैसा लगता है। और अभी तक तो मैंने इसको नहीं खोला है, अब मैं इसको खोल के देखती हूँ कि ये कैसा है, देखते हैं इसके साथ कुछ सीजनिंग मिली है या नहीं। अमेजिंग गाइस, लुक तो बहुत ही अमेजिंग रहा है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ अमेजिंग। इसके ऊपर मैक्सिकन सीजनिंग है एंड काफ़ी सारी फिलिंग भी है, तो मुझे लगता है इससे मेरा काम हो जाएगा लंच का। तो गाइस, ये तो बहुत ही अमेजिंग और टेम्पटिंग लग रहा है, इंजॉय करती हूँ मैं अपने इस मील को और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे इवनिंग स्नैक पे। बताओ बच्ची, हुई सॉस से काम चलाना पड़ रहा है, कोई नहीं।
जनता माफ नहीं करेगी आपको। दो तीन पैकेट में और चुरा के लाई हूँ फ्रिज से, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो सीजनिंग, सब खुद अपना ही हम यूज कर लें। सही है, सो गाइस इस पे सीजनिंग पड़ी हुई है, बट क्या है ना, मेरा हम लखनऊ वालों का ये होता है कि जब तक थोड़ी सी एक्स्ट्रा ना मिले तब तक मज़ा कहाँ आता है। तो मैं इस पे ढेर सारी सीजनिंग मैंने डाल दी है ओरिगैनो की। ये मेरा तैयार हो गया बर्गर पिज्ज़ा, आपको दिखाती हूँ। सो गुड गाइस, मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। अमेजिंग गाइस, तो अभी है मेरा इवनिंग स्नैक का टाइम, और इस स्नैक में आज मैं चाय नहीं पीऊंगी। एक्चुअली मेरा मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं गर्मी बहुत हो रही है गाइस। तो आज मैंने मंगाया है डोमिनोज से ये टैको मैक्सिकाना क्रिस्पी फ्लेकी रैप, एंड इसके साथ मैंने मंगवाई है वहीं से ये माउंटेन ड्यू की बॉटल, बिकॉज मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था इवनिंग स्नैक में चाय पीने का स्नैक के साथ। गर्मी बहुत हो रही गाइस, कुछ ठंडा पीने का मन था, तो मैंने ये दोनों मंगवा लिया। तो अब इवनिंग स्नैक में लेने वाली हूँ मैं अपना टैको मैक्सिकाना रैप, और गाइस ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। सी, एंड क्वांटिटी अच्छी है, लेट्स ट्राई। गाइस इसमें एक बहुत डिफरेंट सी सॉस पड़ी हुई है, जो इसको हल्का सा मीठा हल्का सा सेवरी फ्लेवर दे रही है, बहुत डिफरेंट है। मैंने ये सॉस फर्स्ट टाइम खाई है, माइंड ब्लोइंग है। जो प्राइस है उसके लिए तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है गाइस, परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हो चुका है नाइट टाइम और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और मैं आराम से आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं डिनर में क्या खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ऑर्डर आ चुका है और मुझे जस्ट रिसीव हुआ है। तो गाइस मैं आज डिनर में खाने वाली हूँ ये बहुत ही अमेजिंग सा पिज्ज़ा, ये देख सकते हैं आप, टॉपिंग्स आर माइंड ब्लोइंग गाइस, कितना अमेजिंग लग रहा है, देखो लालच आ रहा है ना। सीरियसली गाइस दिस इज लुकिंग अमेजिंग। एक वो जो स्मोकी अनियन वाला फ्लेवर है, बहुत ही लोडेड है गाइस, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लोडेड पिज्जा होगा। चलो ट्राई करते हैं। इसके ऊपर मैं अपनी ये ओरिगैनो की सीजनिंग डाल के खाऊंगी। चिली फ्लेक्स मैं नहीं डालती गाइस, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। This is amazing guys, this is amazing. This is amazing guys, amazing. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने प्राइस में इतना अच्छा फीलिंग वाला होगा ये पिज्जा। Hats off and thumbs up to Domino's. आप चाहें तो जरूर ट्राई कर सकते हैं, अमेजिंग है गाइज। एक पर्सन के लिए ये पूरा सफिशिएंट है, तो मैं इसको फिनिश करती हूँ, तब तक आप इंजॉय करें। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स और चैलेंजेस आने वाले हैं। A few moments later, गाइस कोई फूड चैलेंज हो और उसमें मीठा ना हो तो मजा नहीं आएगा ना। तो आज की लास्ट डिश बची है विच इज डेजर्ट, तो मैंने डेजर्ट भी मंगाई है डोमिनोज से ही, और मैं अब उसको ट्राई करूंगी, देखते हैं कैसी है। तो डेजर्ट में मैंने ये मंगवाया है, ओ माय गॉश दिस इज लुकिंग अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। ये देखो दिस इज अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, देख के ही टेम्पटिंग लग रहा है गाइस। हम्म,
दिस इज सो गुड गाइस, हेवनली, बहुत बढ़िया. मतलब जो ये बेस है एंड इसके ऊपर जो चॉकलेट का फ्लेवर है, दिस इज माइंड ब्लोइंग गाइस. मैं एंजॉय करती हूँ गाइस अपनी डेजर्ट. मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में. तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा फूड चैलेंज. आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब. तो गाइज, अब ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट फूड चैलेंज मैं कौन सा करूँ, या अगर कोई और चैलेंज करना है तो वो मैं कौन सा करूँ. एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.